हेलो, हाउ आर यू माय फ्रेंड। आप देख रहे हैं अफीफ टेक्निकल चैनल। तो आज एक प्रॉब्लम आया है एसी सर्किट रिपेयरिंग का। तो वर्लपूल एसी है, तो इसका तो प्रॉब्लम क्या है, ब्लोअर मोटर चल रहा नहीं, मैं करंट दे दिया हूँ, ई सिक्स एरर लिख रहा है, ठीक है, ई6 एरर लिख रहा है, तो मोटर नहीं चल रहा है। तो सब कुछ ओके है, तो हम लोग मोटर ठीक है कि क्या है उसको चेक करें पहले, ठीक है। तो मैं आपको कैसे मैं बताता हूँ, तो हम लोग एक जस्ट सर्किट में शॉर्ट करके देखेंगे। तो ये अभी सर्किट ऑन कंडीशन में है, ई6 एरर लिख के आता है, देखिए, ठीक है, ई6 एरर लिख के आता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, वोल्टेज है देख के। तो हम लोग इसमें यहाँ पर शॉर्ट करके देखेंगे, देखिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा है, इसको शॉर्ट करेंगे, आपको मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मोटर ओके है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा है, वो वोल्टेज नहीं देने से यहाँ पर एक कपलर लगा है, तो ये कपलर भी ख़राब होने से तो वोल्टेज नहीं देगा, तो ये ट्रांजिस्टर जो ऑन नहीं कराएगा। जैसा हम लोग का हाई स्पीड लो स्पीड होता है तो यहीं से होता है, ये माइनस वोल्टेज देता है, इसमें वोल्टेज देता है, ये वोल्टेज देता है, तो इसमें कम बेस होता है और ऑन कराता है ट्रांजिस्टर। तो हम लोग अभी पहले चेक कर लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू माय फ्रेंड। आप देख रहे हैं अफीफ टेक्निकल चैनल। तो मैं अभी वीडियो में जो बताया था ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा था, अभी देखो कंटिन्यू चल रहा है। तो काम क्या क्या है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए एक रजिस्टर ख़राब हो गया था, तो ठीक है रजिस्टर में लगाया, ऊपर से लगाया हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट चेंज किया था कपलर जो है, तो वो चेंज किया था। तो मैं आपको इसका मैं दिखा रहा हूँ, कंप्रेसर भी छोड़ दिया है, मैं चालू हो गया कंप्रेसर, तो मैं इसको टेस्टर मार कर देखा रहा हूँ, देखिए ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम था यही है, पहले चेंज किया कपलर आईसी और ट्रांजिस्टर दोनों चेंज किया, चेंज करने के बाद में नहीं हुआ, तो वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज यहाँ पर दे रहा नहीं, तो फिर ये रजिस्टर चेंज किया, तो रजिस्टर चेंज किया तो वो चालू हो गया। तो देखिए चल रहा है, ठीक है, तो कंप्रेसर भी ऑन हो गया है रिले। तो मैं आपको मैं जरा एक सेकेंड में पलट करके इसको इस तरफ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अभी मैं खुला हूँ ये वाला, ये अभी रजिस्टर उस तरफ लगा है, तो अभी इस तरफ लगाना है खोल के। तो ये पहले ये चेंज किया, उसके बाद फिर ये चेंज किया, वोल्टेज चेक कर रहा था, इस तरफ आ रहा था, इनपुट दे रहा है इधर जो है प्रोग्राम ऐसे से आता है, तो दे रहा था, तो इसमें इसको मैं नहीं मिल रहा था वोल्टेज एसी करंट का, तो ये रजिस्टर चेंज किया तो चालू हो गया। तो आपका भी जो कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें मेरे को कमेंट कीजिए,
तो मैं सोल्यूशन उसका बोल दूँगा। ये वाल कूलर सी है, ठीक है, वाल कूलर सी का देखिए, तो ब्लॉक चल रहा है डिस्प्ले वाल देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ